टीम इंडिया के बल्लेबाज केएल राहुल पिछले कुछ समय से काफी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। उनके लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी काफी अहम रहने वाली है। इस बड़ी सीरीज से पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने राहुल की फॉर्म पर बड़ा बयान दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच 22 नवंबर से पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में केएल राहुल बतौर ओपनर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल रोहित शर्मा पहले मुकाबले से लगभग बाहर हो गए हैं, ऐसे में केएल राहुल ओपनिंग की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। ये सीरीज राहुल के करियर के लिए काफी अहम होने वाली है। वो पिछले कुछ समय से काफी खराब फॉर्म में हैं और टीम से भी अंदर बाहर हो रहे हैं। राहुल को आईपीएल के अगले सीजन के लिए भी रिटेन नहीं किया गया, ऐसे में वो काफी दबाव में नजर आ रहे हैं। इस सब के बीच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के चेयरमैन रहे सौरव गांगुली ने राहुल की फॉर्म पर बड़ा बयान दिया। सौरव गांगुली का मानना है कि उतार चढ़ाव खेल का हिस्सा है। केएल राहुल को अपना खोया हुआ आत्मविश्वास हासिल करने के लिए खुद से बात करने की जरूरत है। उन्होंने रेव स्पोर्ट्स पर कहा कि उनको खुद से बात करनी होगी, उसे खुद से बात करनी होगी और कहना होगा कि बस सब कुछ पीछे छोड़ दो, उतार चढ़ाव खेल का हिस्सा है। आत्मविश्वास ऊपर नीचे होता रहता है, आपको नेट्स में कड़ी मेहनत करके आत्मविश्वास वापस लाना होगा। गांगुली ने आगे कहा कि मुझे पता है कि वो बहुत कुछ चीज झेल चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें रिलीज कर दिया है। मुझे नहीं पता कि वे ऑक्शन में उन्हें वापस खरीदेंगे या नहीं। मुझे यकीन है कि उसे एक अच्छी टीम मिलेगी और वो आईपीएल में अपनी कीमत वसूल पाएंगे, लेकिन ये चीजें खिलाड़ियों पर दबाव डालती हैं। सौरव गांगुली ने राहुल को खुद बैठकर ये तय करने का सुझाव दिया कि वो अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। गांगुली ने कहा कि राहुल में दुनिया की सारी क्षमताएं हैं और उन्हें अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने की जरूरत है। गांगुली ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें अपने आप में बैठना चाहिए और अपने दोस्तों, परिवार, टीम और आईपीएल मालिकों, नीलामी और खुद की खोज से दूर रहना चाहिए। आईने में देखकर कहें कि मुझे अलग तरह से खेलना चाहिए, मुझे इस समय अंदर से मजबूत होकर संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने पिछली बार अफ्रीका में शानदार शतक बनाया था, वो इन परिस्थितियों में शतक बना सकते हैं, लेकिन मन को इस पर विश्वास होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। तो सौरव गांगुली के मुताबिक केएल राहुल को खुद को बैक करना चाहिए और फिर वो अपना फॉर्म पा सकते हैं। अब केएल राहुल भी बीजीटी सीरीज का इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं, क्योंकि पहला टेस्ट मैच रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे और शुभमन गिल भी पहले टेस्ट मैच में नहीं है। यानी कि केएल राहुल की जो इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अब यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करेंगे और नंबर तीन पर देवदत्त पड्डीकल का नाम शुभमन गिल की जगह सामने आ रहा है। तो अब टीम इंडिया पहले टेस्ट में अपनी प्रॉपर प्लेइंग 11 के साथ तो नहीं उतर रही, ये कंफर्म है। वहां पर रोहित नहीं है और वहां पर गिल नहीं है। इन दोनों खिलाड़ियों के एब्सेंस में राहुल अगर जायसवाल के साथ एक सॉलिड स्टार्ट दे देंगे तो भारत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेगा।